तो आज मैं अपने डायमंड आर्मर और टूल्स को कन्वर्ट करने वाला हूँ नेदरराइट में। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और अगर आपको याद हो तो पिछले एपिसोड में हमने बनाया था एक गोल्ड प्लस एक्सपी फार्म। तो गाइस आज के इस एपिसोड में मेरे को अपने आर्मर और टूल्स को कन्वर्ट करना है पूरा का पूरा नेदरराइट में, और उसके लिए हमें चाहिए होंगे बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस। और एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के लिए अगर आपको पता हो तो हमें या तो TNT की जरूरत पड़ती है या फिर बेड की। तो इन दोनों में से मैंने चूज़ करा है बेड, और मैं यूज़ करने वाला हूँ बेड, क्योंकि TNT बनाने के लिए मेरे पास ना गन पाउडर है ना कि सैंड, पर मेरे पास बेड बनाने के लिए वूल भी है और वुड भी। तो यहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा जो वूल है वो कलेक्ट कर लिया है, और ये फार्म जो है वो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि मैं बाद में चल के नेदरराइट माइन कर सकूँ। और अब मैं यहाँ से चेस्ट से जल्दी से ले लेता हूँ वुड, और हम चलते हैं अपनी नेदरराइट की माइनिंग पर। तो मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से कौन सी चेस्ट में मेरी जो वुड है सारी की सारी पड़ी है। मेरे हिसाब से इस वाली चेस्ट में होनी चाहिए, इसमें तो नेदर रैक है, इस वाली में होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास पूरे के पूरे 2 स्टैक ओक लॉग पड़े हैं, तो इतने मेरे हिसाब से इनफ होने चाहिए। फिर भी थोड़े बहुत प्लैंक्स भी ले लेते हैं हम यहाँ से, वैसे तो 4-5 ही है, तो जल्दी से कोई बात नहीं, इससे भी थोड़ा बहुत काम तो हो ही जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो गाइस अब मैं रेडी हूँ नेदर के अंदर जाने के लिए, और मैंने अपने लिए गोल्ड का हेलमेट भी बना लिया उन पिगलिन से बचने के लिए। तो अब जल्दी से चलते हैं हम अपने नेदर के अंदर। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं नेदर के अंदर, और अब मेरे को अपने लिए एक सही सी जगह फाइंड करनी है जहाँ पे मैं अपनी जो नेदरराइट की माइनिंग है, मतलब एंशिएंट डेब्रिस की जो माइनिंग है, वो स्टार्ट कर सकूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मुझे पता है, यहाँ पे मेरे को नीचे का पता है कि यहाँ पे ना नीचे गड्ढा है पूरा, तो वहाँ पे मैं माइनिंग तो कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि हमें जाना है 15 Y कोऑर्डिनेट्स पर। तो मेरे को एक ढंग की जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो गाइस फाइनली मैंने अपने लिए एक ढंग की जगह ढूंढ लिया जहाँ पे हम अपना माइनिंग जो है वो कर सकते हैं एंशिएंट डेब्रिस की। तो यहाँ पे ना कि हमें लावा परेशान करने वाला है, ना ही कोई बीच में खाली जगह आने वाली है। तो जल्दी से हम चलते हैं अपने लिए 15 Y कोऑर्डिनेट्स पर माइन करने के लिए। तो गाइस मैं आ चुका हूँ 15 Y कोऑर्डिनेट्स पर, और मैंने यहाँ पे चेस्ट भी प्लेस कर दिया ताकि मैं अपना जो जितना भी कचरा है वो यहाँ पे रख सकूँ। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रूम सा बना लिया है, और अब जल्दी से यहाँ से मैं अपने जो बेड है सारे के सारे वो क्राफ्ट कर लेता हूँ, और फिर हम अपने जो माइनिंग है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ से कुछ, मतलब मेरे को नहीं पता कितने क्राफ्ट हुए, मैंने काउंट नहीं करे है, तो अगर आपको देखने हैं तो आप देख लो। और जल्दी से हम यहाँ से अपनी जो माइनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने एक लंबी सी टनल जो है वो माइन कर ली है ताकि हम यहाँ पे अपने जो बेड है वो प्लेस कर सके। वैसे तो TNT होते तो हम लाइन में प्लेस कर सकते थे बेड, हमें पर एक एक करके प्लेस करने पड़ेंगे, पर कोई नहीं, बाद में चल के हम गन पाउडर फार्म बनाएंगे जब हम उस तरीके से भी माइन कर लेंगे। पर अभी हमारे पास खाली बेड है तो हम बेड से ही उस तरीके से माइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी से मुझे एक बेड प्लेस करना होगा, और इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ इधर प्लेस कर देता हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देना ताकि मेरे को बिल्कुल भी डैमेज ना मिले, और यहाँ पे मैं जल्दी से इसको ब्लास्ट कर देता हूँ। और मेरे को आग लग चुकी है, चलो कोई बात नहीं। और अब देखते हैं हमें एंशिएंट डेब्रिस मिला है या नहीं। सबसे पहले मैं अपनी आग बुझा लूँ, फिर हम चेक करते हैं। तो आग तो बुझ चुकी है, अब हम चेक करते हैं हमें मिला है या नहीं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमें फर्स्ट एक्सप्लोजन में ही हमें हमारा पहला एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका है। इसका मतलब हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंशिएंट डेब्रिस मिलने के चांसेस है। तो अब मैं जल्दी से वहाँ चल के इसे कलेक्ट भी कर लेता हूँ। तो ऐसे ही कलेक्ट करते करते मेरे को आगे बढ़ना है और माइन कर लेना है। तो यहाँ पे आसपास भी मैं थोड़ा बहुत माइन करके देख लेता हूँ, कई बार ना यहाँ पे बहुत सारे एक साथ मिल जाते हैं एंशिएंट डेब्रिस। तो वैसे तो यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि मिलेंगे, तो हमें अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करना चाहिए। और आप अब इन्जॉय करो एक छोटा सा टाइम लैप्स। तो गाइस फाइनली हमारी जो माइनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, मेरे सारे के सारे वूल और बेड खत्म हो चुके हैं, और वुड बची है बस मेरे पास, और मेरे को मिले सिर्फ और सिर्फ 25 एंशिएंट डेब्रिस। तो मुझे पता है बहुत कम है, पर अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने बेस की तरफ वापस। तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ अपने ओवर वर्ल्ड में, और भाई अब ओवर वर्ल्ड में मिलकर जो शांति मिलती है ना, वैसे वो नेदर में शांति नहीं है, क्योंकि ना वहाँ पर आवाज़ आती रहती है हर जगह आग वाग की। तो वापस आ चुके हैं हम अपने माउंटेन हाउस में। तो अब जल्दी से मेरे को यहाँ पे अपने जो नेदरराइट में लाया हूँ ना, मतलब एंशिएंट डेब्रिस जो मैं लाया हूँ, इसे मैं स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। और इसके साथ ही साथ हमें चाहिए होगा थोड़ा बहुत गोल्ड, तो इसको मैं जल्दी से यहाँ से थोड़ा बहुत कोल ले लेते हैं, और दूसरे ब्लास्ट फर्नेस में हम लगा देते हैं गोल्ड। तो अब यहाँ पे रख देते हैं जल्दी से गोल्ड, और अब हम चलते हैं एक स्मिथिंग टेबल बनाने। तो यहाँ से मैंने एक स्मिथिंग टेबल भी बना लिया है,
तो अब फाइनली हमारे पास स्मिथिंग टेबल भी आ चुकी है और अब मैं इसको रख देता हूँ ऊपर अपने एन्चेंटमेंट रूम में। मतलब ये रूम तो नहीं है, एक तरह से एक टेंट है। तो अब मैं यहीं पे कहीं पे रख देता हूँ अपनी स्मिथिंग टेबल, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, अब जल्दी से हम वापस चलते हैं नीचे और देखते हैं स्मेल्ट हुए या नहीं। तो जब तक हमारे एंशिएंट डेब्रिस स्मेल्ट हो रहे हैं, मैं दे देता हूँ आज के वीडियो का शाउट आउट। तो आज की इस वीडियो का पहला शाउट आउट जाता है ZAXFF को, दूसरा शाउट आउट जाता है आइला जादू गेमिंग को, और थर्ड एंड लास्ट शाउट आउट जाता है RSA देवांश को। तो गाइस अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो आपको बस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना है, और जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको दे दूंगा शाउट आउट। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा गोल्ड इंगट तो स्मेल्ट हो ही चुके हैं और नेदराइट स्क्रैप भी होने ही वाले हैं, बस एक बचा है। तो इसका वेट कर लेते हैं होने का और फिर जल्दी से हम चलते हैं अपने नेदराइट आर्मर को पूरा कन्वर्ट करने। तो हो चुका है ये भी, और अब जल्दी से मैं चलता हूँ ऊपर। और उससे पहले ना मैं जल्दी से नेदराइट इंगट तो बना लूँ, तभी तो मैं कन्वर्ट कर पाऊँगा। तो यहाँ से हमारे 6 नेदराइट इंगट बन चुके हैं। तो गाइस फाइनली वो वक्त आ चुका है जब हम अपने पूरे डायमंड आर्मर को कन्वर्ट करेंगे नेदराइट में। तो चेस्ट प्लेट हो चुकी है, ये भी हो चुकी है और ये भी हो चुका है। तो अब जल्दी से मैं अपनी स्वॉर्ड को भी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें शार्पनेस 4 और नॉकबैक 2 तो है ही, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट जल्दी से। तो ये भी हो चुकी है। तो अब जल्दी से मैं अपनी ये वाली जो पिकेक्स है ना, फॉर्चून 3 और एफिशिएंसी 5, तो इसको भी करने वाला हूँ। तो गाइस फाइनली हमारे हाथ में आ चुका है ये फुल्ली नेदरराइट का पावरफुल आर्मर। तो अब मेरे को इसको पहन के यार बहुत ज़्यादा मतलब ओवर पावर्ड सा फील हो रहा है। तो अब जल्दी ही हम एंडर ड्रैगन, वार्डन और विदर वगैरह से भी लड़ेंगे और इलाइट्रा वगैरह भी लाएंगे। तो गाइस नेदरराइट मेरे पास मतलब नेदरराइट स्क्रैप एक बच चुका है और थोड़े बहुत गोल्ड इंगड़ भी बच चुके हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी। और अगर आपने इस वीडियो को इधर तक देखा है ना, बस आपको कमेंट में एक हार्ट लिख देना है, मतलब हार्ट वाला इमोजी भेज देना है, ताकि मेरे को पता चल सके कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखते हो। और अगर आपको भी ऐसी नेदरराइट माइनिंग करनी है और आपके पास TNT या वूल नहीं है, तो आप ये वाले फार्म की वीडियो देख सकते हो और आप भी अपने वर्ल्ड में कर सकते हो माइनिंग। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।